अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद आज हम रेडी शेडी होके एकदम बैठे हैं वीडियो करने के लिए। मतलब मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब एक सिट डाउन वीडियो की थी ऐसे पूरा तैयार होके। बट टुडे आई एम फीलिंग रियली हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यार। बट एनीवे आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इफ यू आर अ मॉम तो आपके टॉडलर के लिए, आपके किड्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा मतलब उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि आप उसको देख के अपनी शॉपिंग कर सकती है उनके लिए। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट क्राई हॉल। फर्स्ट क्राई पे ना बहुत ही जबरदस्त सेल चल रही थी, मतलब 50% ऑफ 70% ऑफ ऐसा चल रहा था। तो मैंने फटाफट से बहुत सारे कपड़े उसके लिए ऑर्डर कर लिए, बहुत सारी बकर हो गई है। बट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाइट सूट से, सिंपल वाले नाइट सूट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सोबर कैजुअल घर के लिए मंगाया मैंने डेली वेयर के लिए। सो फर्स्ट नाइट सूट इज दिस वन। सो ये दिस इज लाइट ग्रीन कलर है इसमें और ये इसकी पैंट आई है जो कि पॉलका डॉट्स की है और जो मेरी वॉल के साथ काफी ज्यादा मैच कर रही है। मैंने जितने भी कपड़े इसके फुल स्लीव मंगाए क्योंकि रात में इसे फुल स्लीव पहना के ही सुलाती हूँ क्योंकि मच्छर वच्छर का बड़ा झंझट होता है और उसको ना बहुत मच्छर काटते हैं। सो मैंने ये नाइट सूट मंगाया है। इसका कपड़ा मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इट्स गुड, बट मैं डेली वेयर के लिए बहुत सिंपल सा ऐसा चाहती थी जो बहुत कंफर्टेबल सा हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल क्लॉथ। मुझे ना इस टाइप के बहुत सही लगते हैं घर में पहनाने के लिए, कंफर्टेबल होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसी टाइप का एक और मंगाया है विच इज दिस वन। सो इसकी भी ये ऐसी टी शर्ट है प्लेन और यहाँ पे है ना रैबिट्स बने हुए हैं जो उसको बहुत क्यूट लगते हैं। इसके साथ ये पैंट है जो लाइट ग्रीन कलर की और इसमें भी पॉलका डॉट्स बने हुए हैं। ये ऑलरेडी पहन चुके हैं इसलिए अजीब सा हो रखा है, मैं इसको भी ना उतार के लेके आई हूँ और ये अभी तक भी गीला है सो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रखा है। बट या सो इस टाइप के ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ये बहुत ज्यादा सस्ते थे तो मैंने सोचा कि इसको मंगा लेती हूँ एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल इन दिस। सो ये दो नाइट सूट एक जैसे मंगाए डिफरेंट कलर्स में। ये वाला नाइट सूट मैंने क्यों मंगाया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, दिस इज ब्लैक। अभी तक का रिकॉर्ड है कि उसके पास एक भी कभी भी ब्लैक नाइट सूट नहीं रहा है। पता नहीं ये तो ना ब्लैक कलर्स मिलना और इस थोड़े डिफरेंट कलर्स मिलना लड़कियों के लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, पता नहीं मिलते नहीं। और हो सकता है ये भी शायद मैंने यूनिसेक्स में से मंगाया इसलिए मुझे मिल गया, अदरवाइज आई एम लाइक रियली बोर्ड ऑफ बाइंग पिंक कलर और पर्पल कलर फॉर हर। हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पहनाना पसंद है। सो आई बॉट दिस बिकॉज इट्स अ ब्लैक और ये पहनाया हुआ बड़ा कूल सा भी अच्छा सा लग रहा था। इस पे ये एक हॉर्स बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है टाइम टू बी, अच्छा ये यूनिकॉर्न है सॉरी, और इस पे लिखा हुआ है टाइम टू बी अ यूनिकॉर्न। और इसकी जो पजामी है वो इस तरह से है और इस पे भी यूनिकॉर्न्स और स्टार्स वगैरह और ये सब बने हुए हैं। बड़ी ही प्यारी है, बड़ा ही प्यारा कपड़ा है, अच्छा लगा था पहनाने पर, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल। एक और चीज की मैंने इस बार ना कॉलर वाले कोई भी नाइट सूट नहीं मंगाया क्योंकि पहले ना ज्यादातर मैंने उसके लिए जो नाइट सूट खरीदे ना वो शर्ट पैंट वाले खरीदे थे जो मुझे बड़े अच्छे कूल लगते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि गर्मी की वजह से ना उसको यहाँ पे कॉलर में बहुत पसीना आता है, तो इसलिए इस बार मैंने कोई भी कॉलर वाले या शर्ट वाले नाइट सूट नहीं खरीदे हैं, सारे से सिंपल कैजुअल वाले खरीदे हैं। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। इसका बॉटम बड़ा ही कलरफुल सा है और पूरे पे फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। देखते के साथ कश्मीर ने बोला सो मेनी फ्लावर्स, आई लव इट, सो शी लाइक इट सो मच। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए, काफी कलरफुल सा है। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, काफी सही प्राइस में था और यहाँ पे मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ पे स्टार बना हुआ है और जो पैंट के फ्लावर्स है वो यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है। इस पे लिखा हुआ है शाइन ब्राइट, सो आई रियली रियली लाइक इट, आई थिंक इट्स सच अ गुड परचेज। नेक्स्ट इज माइन एंड मोहित्स फेवरेट, क्योंकि इस टाइप का नाइट सूट हमने उसके लिए कभी खरीदा नहीं है, इतना ज्यादा भरा भरा और चटक पटक सा, बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो द नेक्स्ट वन इज दिस वन। सो इसका टॉप और इसकी बॉटम बिल्कुल एक जैसी है, एक कलर की। इसपे बहुत सारे क्लाउड्स बने हुए हैं और रेनबो सॉर्ट ऑफ लगा सकते हो, क्लाउड सॉर्ट ऑफ लगा सकते हो, क्लाउड्स ही बने हुए हैं वैसे तो, बट क्लाउड्स के साथ रेनबो टाइप भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और काफी ज्यादा से चटक मटक सा है। यूजुअली ना मुझे ऐसे सोबर से नाइट सूट वगैरह ज्यादा पसंद आता है, बट दिस वन आई रियली लाइक इट क्योंकि ये पहनाने के बाद इतना ब्राइटन अप कर रहा था ना कश्मीर को, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे लगता है कभी कभी बच्चों पे ना इस टाइप के कलर्स जो पॉप होते हैं वो बहुत ही क्यूट लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, तो ना बड़ी ऐसे वाइब्रेंट सी और अच्छी सी वाइब दे रही थी कश्मीर। इसका कपड़ा ना हल्का सा मोटे उसमें है, मतलब नॉट मोटा मोटा बट जैसे ये वाले कपड़े भी बहुत ही पतले से हैं, बट ये वाला हल्का सा मोटा है, तो मुझे उसके हिसाब से भी सही लगा कि जैसे अगर थोड़ा बारिश बारिश का वेदर होता है तो उसके हिसाब से हम उसको ये पहना सकते हैं एंड इट्स रियली गुड। तो ये हो गया नाइट सूट हॉल। अब मैं आती हूँ उसके जो बाहर के और कैजुअल वेयर और पार्टी वेयर तो नहीं कहूंगी, मतलब उसके लिए पार्टी वेयर वैसे कुछ नहीं खरीदती ऐसे फ्रॉक और यू नो पार्टी सॉर्ट ऑफ, बट मैं ऐसे ही कपड़े उसको बाहर और पार्टीज में पहनाती हूँ क्योंकि उसको भी कंफर्टेबल रहना पसंद है,
मुझे भी इस टाइप के कैजुअल अच्छे वाले कैजुअल मुझे अच्छे लगते हैं. द फर्स्ट ड्रेस इज दिस टॉप, और यह ना ये ऑफ शोल्डर टॉप है. इस टाइप से यहाँ पे इसके कटिंग्स हो रखी है दोनों साइड. सो ये ऑफ शोल्डर है और यहाँ पे ना इसे फ्रिल्स लगी हुई है, पूरे पे फ्लावर्स बने हुए हैं. बहुत ही क्यूट लग रहा था पहने हुए. कश्मी को ना मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार ऑफ शोल्डर टॉप पहना है, जो भी उसको ना ढंग से आया नहीं था तो मैं उसको ज्यादा पहना नहीं पाई थी. तो उसको ना आदत नहीं है कभी भी ऑफ शोल्डर टॉप पहनने की. तो जब मैंने उसको ट्राई करने के लिए पहनाया ना, सो शी वाज लाइक, उसको लगा कि यहाँ से ना कुछ निकले जा रहा है और मुझे क्या हो रहा है. तो बार बार ना इसको ऐसे ऐसे ऊपर करने की कोशिश कर रही थी. सो क्योंकि उसको पता नहीं है कि ऑफ शोल्डर मतलब यहाँ पे स्लीव्स आ रही, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी. उसको बार बार ऊपर कर रही थी, तो मुझे लग रहा है शी विल गेट यूज टू इट. बट बहुत ही ज्यादा खिल रहा था उस पर ये पहनाया हुआ था. और इसके साथ इतनी वाइब्रेंट जीन्स आई है. सो और ना ये जीन्स का मटेरियल है, दिस इज कॉटन जीन्स. तो बहुत ही प्यारी सी वाइब्रेंट सी सिंपल सी कॉटन जीन्स है, तो ये पेयर बहुत ही अच्छा लग रहा था. और उसके पास ना इतना वाइब्रेंट कलर का कोई पैंट या जीन्स रहा भी नहीं है, तो इसको मल्टीपल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको अलग और इसको अलग. सो इसलिए मुझे ये पेयर बहुत ही अच्छा लगा और ये साथ में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था. सो या आई रियली रियली लाइक्ड इट. ये बहुत ही सिंपल कैजुअल है बट स्टिल बहुत ही क्लासी और बहुत ही कूल लग रहा था कश्मीर पे. नेक्स्ट ड्रेस इज अ फ्रॉक, और इसका कपड़ा भी ना बहुत प्यारा है. एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी अलग गई है मुझसे. एक सेकंड, दिस फ्रॉक, इसका कपड़ा, एक तो पहली बात सबसे बड़ा शाउट आउट इस ड्रेस के लिए जाता है इसके कपड़े को. इतना सॉफ्ट कपड़ा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है. मतलब आई थिंक दिस इज, आई डोंट थिंक सो दिस इज कॉटन. मुझे कपड़ों को इतना पता नहीं है, बट ये कॉटन मिक्स में कुछ तो ऐसा मिक्स है विच मेक्स इट वेरी वेरी सॉफ्ट. जैसे बटन वाला है, सो काफी अच्छा यूज आ सकता है, काफी टाइम तो इसको मैं यूज कर सकती हूँ. और उसके साथ इसका ये पर्स भी आया है. सो इसको जब इस तरह से पहनाया जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसको इस तरह से जब पहनाया जाएगा पर्स के साथ, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था. बहुत ही प्यारी ड्रेस है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी लगी मुझे. सो आई रियली लाइक्ड इट. सबसे प्यारी ड्रेस, सबसे बेस्ट ड्रेस ऑफ दिस हॉल वो मैं लास्ट के लिए रखूंगी. अभी एक और थोड़ी सिंपल ड्रेस है जो मुझे चाहिए थी कैजुअल वेयर के लिए, कि इधर उधर गए कहीं पार्टी वार्टी, मतलब कहीं ऐसे नहीं जा रहे बट कैजुअली कहीं जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं कहीं भी, तो उसके लिए मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा कैजुअल सा ड्रेस चाहिए था. नेक्स्ट मैंने मंगाया है दिस ड्रेस. सो ये है टॉप और यहाँ पे ऐसे मतलब डिजाइन बना हुआ है फ्रिल्स वाला, और ये आगे और पीछे दोनों साइड पे है. तो मतलब काफी भरा भरा फ्लावरी फ्लावरी सा ऐसा है, बट इसका कपड़ा बहुत ज्यादा प्यारा है और इस कश्मीर में बहुत ज्यादा खिल रहा था. और उसके साथ ना ये ट्राउजर आया है, जो कि मतलब दिस इज नॉट अ जीन्स, दिस इज नॉट अ जेगिंग और सेम, बट ये थोड़ी ऐसे लेगिंग सॉर्ट ऑफ है, स्ट्रेचेबल, और इस पे ना ऐसे लाइंस बनी हुई है, और मतलब काफी स्ट्रेचेबल और काफी प्यारा कपड़ा है. बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही कैजुअल सी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी. ओके, अब ना दो ड्रेसेस बची और ये दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट है इस पूरे हॉल की. वो एक एक्चुअली लास्ट वाली ज्यादा फेवरेट है मेरी, ये दोनों ही फेवरेट है. ऑब्वियसली लास्ट वाली थोड़ी सी ज्यादा है, बट ये वाली भी है, क्योंकि ना इस टाइप का अभी तक कश्मीर में कुछ भी नहीं पहना है, एंड इतना कूल लग रहा था ना ये कश्मीर में बहुत ज्यादा. क्योंकि ना ये वैसी वाली फीलिंग दे रहा था कि बड़ों के जो कपड़े होते हैं वो किसी छोटे बच्चे ने पहन लिया है. इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस. सो नेक्स्ट इज दिस टॉप एंड दीज पलाजो जीन्स, और ये डेनिम की है तो बहुत ही सही लगती है. पलाजो जीन्स आज तक नहीं पहनाई है कश्मीर को, और मतलब मुझे मिली भी नहीं उसके साइज में कभी ऐसे पलाजो जीन्स, तो मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी. ये पूरी फुल प्रॉपर पलाजो जीन्स है जो कश्मीर की, और इसके ऊपर ये बड़ा ही कूल सा टॉप है. अगेन ये दीवार में मैच कर रहा है इस बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर का. इस पे ये हार्ट बने हुए हैं जो कि इसे फॉइल वर्क सॉर्ट ऑफ के हैं, और यहाँ पे फिर से ये फ्रिल्स बनी हुई है दोनों स्लीव्स पे. इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे आगे से थोड़ा सा टकिंग करके पीछे से थोड़ा खोल के, काफी ज्यादा बड़ों वाली और काफी ज्यादा कूल फीलिंग आ रही थी इस वाली ड्रेस में. मुझे बड़ी अच्छी लगी है कश्मीर पे, एंड इसको भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स है तो मैं काफी सारे टॉप्स पहना सकती हूँ. बेस्ट पार्ट है कि ये जीन्स ऐसे इलास्टिक वाली है, सो ये काफी आगे तक भी काम आ सकती है. ऐसा नहीं है कि अगर वो थोड़ा सा वेट गेन कर लेती है, मोटी हो जाती है, तो उसको छोटी हो जाएगी, क्योंकि लंबाई में भी इट्स गुड एंड वैसे भी सही है, और प्राइस वाइज मुझे काफी अच्छी डील लगी. सो आई रियली 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 लाइक इट. आर यू रेडी फॉर द लास्ट ड्रेस विच इज मोहित एंड माई फेवरेट? लाइक मोहित की ज्यादा फेवरेट है. मोहित इज लाइक उस ड्रेस को देखना यार, ये ड्रेस तो रख लो, मतलब इसको तो मत रिटर्न करो. मैंने कहा ट्राई तो करा लो, अगर आप ही दे रही थी मुझे नहीं पता, ये ड्रेस तो रख लो, मुझे तुम इसका साइज मंगाना पड़े, बट ये ड्रेस रखी जाएगी. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस टाइप का आज तक हमने कश्मीर को कुछ भी नहीं पहनाया, क्योंकि ना इस के कपड़े में एक तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहती है, और दूसरा उसके ना इतने, क्योंकि वो शीज थोड़ा लीन, तो उसको इस टाइप के कपड़े उतने मिलते नहीं है, बट ये वाला उसका परफेक्ट फिट आया है. बड़ा खुश थी इसको पहन के. ड्रेस इज दिस वन.
सो दिस इज अ ऑफ शोल्डर टॉप और ऐसे पूरा ऐसे फ्रिल्स वाला है यहाँ पे, मतलब इस टाइप से फ्रिल आती है पूरा, और यहाँ पे ऐसे बांधने का है यहाँ पे टिकाने के लिए, और यहाँ पे पूरा ऑफ शोल्डर फ्रिल आती है, पिंक कलर एकदम चटैक पिंक कलर का, तो बहुत ही प्यारा है। और उसके नीचे ये प्लाजो पैंट्स है, आई थिंक इट्स रेयन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे तो पता नहीं, बट काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और नीचे ना ऐसे पूरी बेलून स्लीव जैसे होती है, ऐसे नीचे बेलून फ्रिल्स है नीचे। सो ये पैर साथ में बहुत ही ज्यादा कूल 90 वाइब्स दे रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, और कशी में बड़ा ज्यादा खिल रहा है। कैन नॉट वेट हर टू वियर इट एंड गो आउट एंड क्लिक सम कूल पिक्चर्स। दिस इज ऑल आई गॉट। आई रियली रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज टेल मी कि आपकी फेवरेट चीज कौन सी थी, कि जैसे मेरी और मोहित की तो ये वाली सबसे ज्यादा फेवरेट थी। ऑल्सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये सारा कुछ मैंने खुद से अपने पैसों से खरीदा, और मैं सबसे ज्यादा शॉपिंग फर्स्ट प्राइस से करती हूँ, क्योंकि उसमें काफी फ्रिक्वेंटली काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहे होते हैं ऑनलाइन पे। ओके, बहुत सारी बातें हो गई।